हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय माता की। स्वागत है आपका फिर हमारे नए ब्लॉग में। गाइस, आज के ब्लॉग में करना है कुछ नया। नया क्या, मैं और आयुष जा रहे हैं एक मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए। और मंदिर है स्वयंभू भगवान शंकर का, जहां भगवान शंकर की मूर्ति अपने आप जमीन से प्रकट हुई थी। गाइस, वो कहते हैं कि वो मूर्ति धीरे धीरे अपने आप बढ़ रही है, आकार में बढ़ रही है। तो चलते हैं मूर्ति के दर्शन के लिए तहपा महादेव। तो रास्ते के लिए तैयार है, निकलने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं और आयुष बिल्कुल तैयार हो चुके हैं चलने के लिए। आप भी हमारे साथ रहना गाइस, चलते हैं और दिखाएंगे तहपा महादेव। गाइस, ऐसा कहते हैं कि महादेव के मंदिर में जाकर भगवान से जो मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। तो हम भी सब सुख शांति मांगेंगे, आपकी भी सुख शांति रहे, सब खुशी रहे। चलते हैं, बस सब कुछ तैयार है। आयुष भी तो पैंट शर्ट पहनना है चलने के लिए, और तैयार होकर चलते हैं तहपा महादेव, दिखाएंगे। कहते हैं गाइस, कहते हैं अब से कुछ समय पहले वो मूर्ति धीरे धीरे जमीन में से निकली थी। किसी किसान के खेत में थी, तो किसी किसान को दिखी वो मूर्ति। तो उसके बाद में कई गाँव का माहौल था, वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना दिया। अब वो मूर्ति धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगी। मूर्ति बढ़ रही है, उसकी मान्यता भी, मतलब क्या बोलते हैं, चर्चा भी चारों तरफ फैल रहा है। और उसके बारे में जैसे जानकारी होती है, पब्लिक वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, सबके जाते रहते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो बस कल ही रहें जैसे भी है। हम मंदिर तो पहुंच गए हैं और सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ये सब कुछ मेरे पापा जी ही। सो गाइस, अब हम तहपा महादेव मंदिर में आ चुके हैं और अभी साथ में दर्शन करवाते हैं आपको स्वयंभू भगवान के। यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हो गए, मैं तो काफी सालों के बाद आया हूँ। जल भर रहे हैं मंदिर जी और आयुष। कावर के टाइम पर तो बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे हनुमान जी, भगवान जी को जाली के अंदर बंद करते हैं, कितने बड़े हनुमान जी हैं। अभी आके दर्शन करवाते हैं। अंदर तो आरती हो रही है मंदिर में भगवान की, बड़ी भीड़ भी जाते हैं, और आपको दर्शन करवाने हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं पीछे हो जाऊँ थोड़े से, क्योंकि जब तक पूरे दर्शन आपको भी नहीं होंगे, मेरे को भी नहीं होंगे, मजा नहीं आएगा। तो पहले भीड़ खत्म होते हैं और आरती में हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं। गाइस, ये हैं स्वयंभू भगवान शंकर भगवान, इनका स्नान चल रहा है दूध से। कहते हैं कि ये अपने आप ही जमीन से प्रकट हुए थे, धीरे धीरे जमीन से बढ़ते जा रहे हैं। गाइस, ये है शंकर भगवान की मूर्ति। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, कम चमक रही है, पहले से चमक रही है, आपको दिखा रहा हूँ। कुछ भक्त भगवान का स्नान करवा रहे हैं कहीं से। श्री शंकर भगवान की जय। सेवा हो रही है भगवान जी की, चला सही है, जैसे हो गया। हर हर महादेव। हे भगवान, गाइस पता, जमीन में से निकले थे ये शंकर भगवान। कुछ पहले खेत था यहाँ पर, वो ऐसे निकले, उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़े होते चले गए, फिर यहाँ पे इनका मंदिर बनवा दिया। अब उससे स्नान हो रहा है। मंदिर बनवाने के बाद में कहते हैं भक्तजन जो मांगते हैं ना, उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। मैं भी आया भगवान के सामने हाथ जोड़ने, भगवान सबको सुखी रखें, मेरी भी मनोकामना पूरी करो, सबकी मनोकामना पूरी करो। हर हर महादेव। आज तो वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, दर्शन कभी कभार जो मतलब गड़बड़ गड़बड़ हो रहे हैं दर्शन। कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरे दर्शन करवाने की। भगवान का जलाभिषेक हो गया, पहले दही से, फिर दूध से, अब जल से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस, कोशिश करिए आपको भगवान के दर्शन करवाने की, और जितने दर्शन मुझे हो पाते हैं मैंने आपको भी करवाए। कोशिश करता हूँ भगवान के दर्शन आपको मिले हों, मन की शांति मिले, भगवान आपको सारी सुख दे, खुशियाँ दें। सो गाइस, दर्शन करने के बाद वापस घर आ चुके हैं और दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो गए, पर भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थी। मेरे को तो उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ मिलेगी वहाँ पर जाकर। खैर, जैसे भी मेरे को दर्शन हुए, मैंने कोशिश करी आपको भी दर्शन करवाने की। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे शंभू भगवान। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को हम लास्ट करते हैं। उम्मीद आपकी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ठोके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय गाइज़।